नमस्कार साथियों, मैं चंद्रजीत, आपका अपना डीआर चंद्रजीत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम बताएंगे कि अपना जो पशु है, गाय है, भैंस है या फिर बकरी है, उसको पेशाब नहीं उतरती है, पेशाब नहीं करती है और 5 दिन 6 दिन तक के वह पेशाब नहीं कर पाती है और उस पेशाब के थैली भर जाने के कारण जो बकरी है या फिर पशु है वह बेचैन हो जाती है। ऐसा लगता है कि अब यह बचने लायक नहीं है। तो इस कंडीशन में उस बकरी का किस तरह से हम पेशाब उतारेंगे पाइप के द्वारा? अगर पाइप के द्वारा पेशाब नहीं उतरती है तो फिर हम डायरेक्ट नीडल मार करके किस तरह उसको यूरिन बाहर करेंगे, वह आज हम आपको अभी इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट में हम पशु संबंधित या बकरी संबंधित कोई भी वीडियो डालूँ तो वह आप तक पहुँचे और सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से पेशाब को बाहर उतारना है, पेशाब के थैली से बाहर निकालना है। तो सबसे पहले जो पेशाब उतारने के लिए, यूरिन को बाहर करने के लिए जो पाइप आता है उसका सहारा हम लेंगे। पहले हम पाइप डाल करके देख लेंगे कि कहीं यह पाइप से ही यूरिन बाहर आ जाती है तो और अच्छा बात है, अगर उससे नहीं उतर पाती है तो नीडल मारेंगे। तो सबसे पहले यह जो पाइप बगल में आप देख रहे हैं पीला कलर का, यह पाइप आपको लेना है और पेशाब की रास्ता जहाँ है वहाँ से डायरेक्ट आपको एंट्री करना है और आपको एंट्री करते हुए जाना है। और जब मान लीजिए अगर पेशाब के रास्ता में किसी तरह का कोई रुकावट अगर नहीं है, किसी तरह का कोई सूजन पेशाब के रास्ता में नहीं बना है, तो यह जो पाइप है इसके द्वारा आसानी से यूरिन यानी कि आसानी से पेशाब बाहर आ जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो पेशाब की थैली है और जो पेशाब का जो रास्ता है तो वहाँ दोनों के बीच में जो नस है, वेन है, उसके बीच में सूजन आ जाती है। जैसे कि अभी हम दाब के आपको बता रहे हैं, वहाँ पर एक गांठ बना हुआ है, सूजन बना हुआ है, जिसके वजह से यह जो पाइप है जो कि हम पेशाब निकालने के लिए जो पाइप डाल रहे हैं, यह पाइप नहीं जा रहा है। वह दोनों सूजन है, बीच में वेन है, उसमें रुक रही है और यह पाइप नहीं जा रही, तो यह पाइप जो है थोड़ा लूज है। तो हमने इसे हार्ड पाइप लिया है, थोड़ा टाइट पाइप लिया है, जैसे कि आईवी पशु का जो आईवी करने वाला पाइप होता है वह पाइप लिया है। जैसे कि बगल में आप देख रहे हैं हम यह पाइप का सहायता ले रहे हैं। अगर यह पाइप से निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट नीडल मारेंगे किस तरह से वह देखिए। तो यह जो हम पाइप भी डाले हैं इसमें, तो यह पाइप भी नहीं जा रहा है। क्या हो गया है कि इसके जो वेन है, जो पेशाब के थैली का जो नस होता है, उसमें सूजन बना हुआ है, कुछ ज़्यादा सूजन, कुछ खाली एरिया ही नहीं है, उसके वजह से यह पाइप नहीं जा रहा है। तो अब हमको लास्ट ऑप्शन क्या बचा है कि डायरेक्ट जो 16 नंबर नीडल होता है जिससे पशु को हम इंजेक्शन देते हैं, आईएम करते हैं मांस में, कोई भी इंजेक्शन देते हैं, उसका सहारा लिया है। जैसे कि देखिए, अब हम कैसे पहचान करेंगे जो पेशाब के थैली इसी जगह है? तो जो पेशाब का रास्ता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर पेशाब का थैली है, तो जस्ट इसके यहाँ पर जो है इसका रास्ता होता है। तो हम यहाँ से दाबते हुए पीछे की ओर जाएंगे और जब हम इस तरह से दाब, देखिए हम किस तरह से दाब के हम अनुभव ले रहे हैं, जब हम दाबेंगे तो वहाँ पर जो है अंदर जो पेशाब जमा हुआ है, पेशाब भर गई है, वह ऐसे ऐसे दाबेगा तो वह डोलेगा, आवाज़ साउंड आपको महसूस होगी। तो आपको समझ लेना है कि इसी जगह पर यूरिन जमा हुआ है और यहीं पर पेशाब की थैली है, और जहाँ आपको जब अनुभव महसूस हो जाए तो डायरेक्ट आपको पंक्चर कर देना है। आप देखिए किस तरह से हम वहाँ पर हम उस जगह को पहचान कर करके और वहाँ से यह यूरिन को बाहर निकाल लिए हैं और फिर यह जो बकरी है वह स्वस्थ हो गया है। तो यह जो काम है थोड़ा ज़्यादा कठिन काम है, परिश्रम भरा काम है, और जो जिसके पास अनुभव काफ़ी ज़्यादा है वही इस काम को कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिसको अनुभव नहीं है, काम करने का तरीका एरिया पता नहीं है, वह यह काम को नहीं कर सकते हैं। और जो हम वीडियो आपको बताते हैं, यह वीडियो केवल आपके नॉलेज के लिए बताते हैं, ऐसा कि नहीं कि जो काम आपसे नहीं होने वाला है वह काम भी आप कर ले, ऐसा इस तरह से हम आपको करने के लिए नहीं बताते हैं। अगर ऐसा काम आप अगर करते हैं तो आप इसका जिम्मेवार खुद हैं।
इसीलिए आपको जब करने का तरीका जो हम नीडिल मारे वह नीडिल मारने का तरीका पता हो या फिर हम पाइप डाले हैं उसका जो तरीका पता हो तभी आपको यह काम करना है, अन्यथा यह आपको अपने अनुभवी डॉक्टर है उससे यह काम करवाना है। तो साथियों यह जो यूरिन निकालने के बाद इंजेक्शन क्या देना है वह हम आपको बताते हैं। तो इंजेक्शन के रूप में सबसे पहले आपको डेक्सामेथाजोन जैसे कि डेक्सोना दे देना है, 2 ml डेक्सोना इसको हम लगाए हैं। उसके बाद जो है एक सेफ्टेरिया जोन लगाया है जैसे कि ट्रेक्सोल, 500 mg ट्रेक्सोल लगा दिए हैं, और उसके अलावा एक और इंजेक्शन लगाए हैं दर्द के लिए जो इंजेक्शन है डायलोना 3 ml दे दिए हैं, और एक एविल का इंजेक्शन हम इसको दे दिए हैं। और इतना काम करने के बाद जो यह बकरी है बिल्कुल स्वस्थ हो गई है और चलने लगी है और आराम हो गई है, और कल होकर के जब हम गए हैं तो वह पेशाब करना भी स्टार्ट कर दिया। तो साथियों यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा या नहीं, अगर आपको यह वीडियो से कुछ सीख मिला हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा। नमस्कार।